कश्मीर को लेकर आज का दिन बड़ा अहम है। सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में जारी पाबंदियों को लेकर फैसला सुनाया है। कश्मीर में इंटरनेट सहित दूसरी पाबंदियों को लेकर एससी के आदेश, इंटरनेट बैन और धारा 144 लगाने की वजह बतानी होगी। अभिव्यक्ति के आधार जैसा है इंटरनेट। 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर बंदिशों के साए में जी रहा है, तो उधर विदेश राजनयिकों का एक दल कश्मीर के दौर पर है। कल श्रीनगर तो आज जम्मू में जायजा लेगा, लेकिन बड़ी खबर अब सीधे सुप्रीम कोर्ट से है। इंटरनेट पर पाबंदी और लंबे समय तक धारा 144 लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन और अन्य तरह की पाबंदियों के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि बिना वजह के पूरी तरह इंटरनेट पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे वक्त तक इंटरनेट पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, पाबंदियों की कोई पुख्ता वजह होना जरूरी है। इंटरनेट लोगों की अभिव्यक्ति का आधार है, यह आर्टिकल 19 के तहत आता है। इसके अलावा कोर्ट ने धारा 144 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में कहीं भी लगातार धारा 144 को लागू रखना सरकार द्वारा शक्ति का दुरुपयोग है। साथ ही कोर्ट ने पाबंदी के से संबंधित सभी फैसलों को सार्वजनिक करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इस मामले में ये याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा कि इंटरनेट पर पाबंदी सिर्फ उस स्थिति में लगाई जाए जब ऐसा करना अपरिहार्य हो। अदालत ने कहा कि इंटरनेट पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित नहीं लगाया जा सकता है। इंटरनेट पर प्रतिबंध की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। कश्मीर में इंटरनेट सहित दूसरी पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि इंटरनेट बैन और धारा 144 लगाने की वजह बतानी होगी। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट अभिव्यक्ति के अधिकार जैसा है। 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर बाशिंदों के साए में जी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कश्मीर में बहुत हिंसा हुई है, हम सुरक्षा के साथ मुद्दे के साथ मानव अधिकारों और स्वतंत्र को संतुलन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंटरनेट पर एक समय सीमा तक की रोक लगाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह कोई संदेह नहीं है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने की स्वतंत्रता अनिवार्य तत्व है। इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार अनुच्छेद 19A के तहत एक मौलिक अधिकार है। न्यायमूर्ति एवी रमन, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की 3 सदस्य पीठ ने इस प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली गुलाम नबी आजाद और अन्य की याचिकाओं पर पिछले साल 27 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान समाप्त करने के बाद वहां लगाए गए प्रतिबंधों को 21 नवंबर को सही ठहराया था। केंद्र ने न्यायालय में कहा था कि सरकार के एहतियाती उपायों की वजह से राज्य में किसी व्यक्ति की ना तो जान गई, ना ही एक भी गोली चलानी पड़ी। गुलाम नबी आजाद के अलावा कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा बसीन और कई अन्य ने घाटी में संचार व्यवस्था ठप होने की सहित अनेक प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की थी। केंद्र की कश्मीर घाटी में आतंकी हिंसा को हवाला देते हुए कहा था कि कई सालों से सीमा पर आतंकवादियों को यहां भेजा जाता है। स्थानीय उग्रवादी और अलगाववादी संगठनों ने पूरे क्षेत्र को बंधक बना रखा था और ऐसी स्थिति में अगर सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम नहीं उठाती तो यह मूर्खता होती। केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अनेक प्रावधान खत्म कर दिए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गया था। जस्टिस रमन्ना ने आज अपना जजमेंट प्रनाउंस किया और उन्होंने बहुत सी बातें रखी। उसमें अहम बातें ये हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेट का शटडाउन और कम्युनिकेशन शटडाउन है, ये उनको उन्होंने कहा कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर है जिससे किसी की भी फ्रीडम्स को आप रोक सकते हैं। जब स्टेट को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है लिबर्टी और सिक्योरिटी को, कश्मीर में भी जब आप लिबर्टी और सिक्योरिटी को बैलेंस करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टेट ने कोई भी ऑर्डर्स जिससे उन्होंने टेलीकॉम को और इंटरनेट को बंद किया, 144 लगाया, लोगों की मूवमेंट को बंद किया, वो ऑर्डर सारे पब्लिश भी नहीं किए और वो कोर्ट के सामने भी नहीं रखे।
उन्होंने कहा ये गलत है, ये ऑर्डर्स को पब्लिश करने का उनको एक डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को कि सारे ऑर्डर्स पब्लिश किए जाएंगे और फ्यूचर में भी सारे ऑर्डर्स हमेशा पब्लिश होंगे और लोग उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। वो ऑर्डर्स में क्या होना चाहिए, सारे मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। वो ऑर्डर्स को ये बात दिखानी चाहिए कि किस कारण से फ्रीडम्स और सिविल लिबर्टीज पर रोक लगाई जा रही है, ये इस ऑर्डर में साफ स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) का हिस्सा है। ये बहुत अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रनाउंस की है, इसलिए कभी भी अगर इंटरनेट पर रोक लगाएगी सरकार तो स्टेट को उसके लिए आर्टिकल 19(2) की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको मीट करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 144 के ऑर्डर्स हैं उनको बार बार लागू करना एक अब्यूज ऑफ पावर है स्टेट की, और ऐसी कई बातें अभी लिखी हैं जो जजमेंट में उन्होंने कहा है कि जो रूल्स हैं और जो ऑर्डर्स हैं इनका रिव्यू बहुत ज़रूरी है और 7 दिन के अंदर अंदर स्टेट रिव्यू करके वो कौन से ऑर्डर्स कौन कहाँ पर रिस्टोर करना है वो किया जाए, और उसके दरमियान जहाँ पर ज़रूरी है चाहे हॉस्पिटल के लिए चाहे मार्केट के लिए चाहे ट्रेड के लिए इंटरनेट वहाँ पर इमीडिएटली भी मिले। रिव्यू कमेटी विल आई स्पीक इन इंग्लिश और माय हिंदी इज नॉट द बेस्ट। करेक्ट, दैट्स राइट। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आई है जिसमें 3 और 4 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इन्होंने होल्ड की हैं। सबसे पहले ये कि जो हमारा संविधान है उसमें इंटरनेट को एक्सेस करना एक मूल अधिकार है, और इस मूल अधिकार को सरकार अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहे तो जो 19(2) के अंदर लिमिटेड ग्राउंड है उसी के बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और किसी बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बहुत साफ तरह से कहा है कि इनडेफिनिट इंटरनेट बैन ये हमारे संविधान के अंदर परमिसेबल नहीं है, और इस तरह का जो ब्लैंकेट इंडेफिनिट बैन हम देख रहे हैं इंटरनेट में देश में आज वो बिल्कुल परमिसेबल नहीं है। उसके साथ साथ जो 144 की धारा पे जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 144 एक तरह से जेन्युइन प्रोटेस्ट, जो पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट टू असेंबली जो हमारे संविधान में जिसका राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। 144 का इस्तेमाल जो उसके टेक्स्ट के अंदर बहुत स्पेसिफिक ग्राउंड है, लिमिटेड ग्राउंड है, उसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और तीसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे जो ऑर्डर्स थे रिस्ट्रिक्शंस के वो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किए थे, सिर्फ केवल कुछ सैंपल ऑर्डर्स प्रोड्यूस किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपको सारे ऑर्डर प्रोड्यूस करने चाहिए थे हमारे सामने, और दूसरा कि सिर्फ हमारे सामने ही नहीं पूरे देश भर में आपको ये पब्लिश करना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए कि उनके जो संवैधानिक मूल अधिकार हैं वो किस बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।